हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो कभी कभी दिल करता है ना कि आज कुछ चटपटा हो जाए, स्पाइसी हो जाए बाजार का कुछ तो, पर लेकिन जब हम वहाँ के खाने के बारे में सोचते हैं बाजार के, तो फिर मन दुखी हो जाता है ना कि नहीं नहीं अनहेल्दी है, नहीं खाना। हेल्थ के बारे में सोच के काफ़ी लोग जो है ना वो नहीं खाते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी चाट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे आप जब दिल करे तब बना के खाइए। बहुत ही हेल्दी है और न्यूट्रिशन से तो फुल है और बहुत ही टेस्टी है, स्पाइसी है, चटपटी है। जब आपका दिल करे तब खाइए, जिसका मन करे वो खा सकता है, बच्चे भी बड़े भी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है, टेस्टी होती है। तो पर लेकिन उससे पहले ना मैं आपके साथ एक छोटी सी ना अपनी मेमोरी शेयर करना चाहती हूँ। वैसे वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बट फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। एक्चुअली जब मैं छोटी थी, 10 to 12 ईयर्स की, तो हमारे घर के पास एक नेबर हुआ करते थे। वो अंकल जो थे वो इस चाट का ना स्टॉल लगाया करते थे और उनकी बेटी मेरी फ्रेंड थी। तो जैसे ही अंकल शाम को इवनिंग में अपना काम खत्म करके आते थे, तो मैं उनकी बेटी को कहती थी अपने पापा को पूछना कि कुछ सामान बचा है चाट का तो हमें एक बना के खिलाएंगे। तो मेरा ये डेली का ना जैसे रूटीन था कि मैंने शाम को उनके चाट की स्टॉल फिनिश होने के बाद उनके घर पर जाना ही जाना है और पता करना है कि अगर बचा है तो हमें बना के खिलाएं। तो बड़ी सारी छोटी छोटी यादें इस चाट के साथ जुड़ी हुई हैं, वो मेमोरी पूरी दिमाग में घूम जाती है। तो वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेसिपी। मैं बनाती रहती हूँ, बहुत ही हेल्दी है। तो उससे पहले आप सबसे है कि जो भी चैनल पे पहली बार आया है ना, वो प्लीज़ रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगेगी तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, तभी मेरी आने वाली सभी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल पाएगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेनी है ये दाल, जो कि है मोठ दाल, इजीली अवेलेबल है, कहीं पे भी ग्रोसरी स्टोर पे आपको इजीली मिल जाएगी। इसे मोठ दाल बोलते हैं, मोठ यानी कि। तो ये हमें एक कटोरी चाहिए, मैंने एक कटोरी लिया है। एक कटोरी से ही ना इतनी ज़्यादा बन जाएगी कि 2 पर्सन ईजिली खा सकते हैं। और ये मैंने ले लिए हैं सफ़ेद चने, और ये मैंने आधी कटोरी लिया है, यानी कि एक कटोरी मेरे पास मोठ दाल है और आधी कटोरी जो है वो चने हैं। अब सबसे पहले हमें इन दोनों को अच्छे से जो है वो धो लेना है। इन दोनों को मैंने अलग अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और अलग अलग ही हमें इन्हें वॉश करना है। तो यहाँ पे मैं दोनों को जो है अच्छे से धो के ले आई हूँ। ये देखिए, ये दाल और ये चने। इसके बाद हमें जो है इन दोनों में डाल देना है पानी, और 4 से 6 घंटे के लिए अब हमें जो है इन्हें भिगो के रखना है। अगर थोड़ा जल्दी आपको चाहिए तो फिर आप थोड़े गर्म पानी में इन्हें भिगो के रख दीजिए, उससे थोड़ा जल्दी जो है ये रेडी हो जाएंगे। 4 से 6 घंटे के लिए मैं इन्हें छोड़ रही हूँ। तो ये देखिए, 4 से 6 घंटे के बाद दाल देखिए फूल के डबल हो गई है। मैंने कहा था ना एक कटोरी से 2 पर्सन के लिए ईज़िली बन जाएगा, तो ये देखिए डबल हो गई है क्वान्टिटी में फूलने के बाद। और चने भी जो हैं वो देखिए रेडी हो चुके हैं, ये चने भी तैयार हैं। अब हम इस पानी को जो है वो निकाल देंगे और एक बार इनको दोबारा से जो है वो धो लेंगे, मतलब ये वाला पानी हमें जो है निकाल देना है इसमें से। उसके बाद ये ले लिया है मैंने प्रेशर कुकर, और इसमें मैं जो है ये मोठ दाल जो है अपनी डाल रही हूँ। हाफ क्वांटिटी में ली है मैंने, थोड़ी सी मतलब बचा ली है इसमें से मैंने। और ये दाल जो मैंने बचाई है ना, देखिए इस तरीके से मैं इसको इस कंटेनर में डाल के और बंद करके और रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में जो है रख दूँगी। आप इसे 1 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि मुझे अकेले खानी है तो थोड़ी ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने थोड़ी सी फ्रिज में रख ली, नेक्स्ट डे मैं दोबारा बना सकती हूँ। अब जो दाल है उसके अंदर हम जितना डिप हो सके दाल, इतना पानी डाल के हमें इसे गैस पर चढ़ा देना है, और सिर्फ एक विसल बजानी है इसमें, ज़्यादा नहीं बजानी, अदरवाइज़ दाल जो है वो ख़राब हो जाएगी। सिर्फ एक ही विसल आनी चाहिए। जब तक हमारी दाल में विसल आ रही है, यहाँ पे हम बाकी की चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या चाहिए हमें। तो ये सबसे पहले मैंने ले लिया है एप्पल। एप्पल मैंने हाफ लिया है, हाफ एप्पल को मैंने छोटे छोटे पीसेस में ये देखिए कट किया है, बिल्कुल छोटे छोटे पीस हैं। हाफ मैंने लिया है बनाना, और बनाना को भी छोटे छोटे पीस में कट किया है ये देखिए। और ये है अनार के दाने, पोमेग्रेनेट, और ये मैंने अनियन लिया है, अनियन भी आधा अनियन है ये, हाफ कट किया हुआ है। और मूली है, मूली को मैंने कद्दूकस कर लिया है। और टमाटर है, टमाटर को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और यहाँ पे है ग्रीन चिल्ली। तो ये सारा सामान हम जो सारा सामान है हमें चाहिए,
ये फ्रूट्स मेरे पास अवेलेबल थे तो मैंने डाल लिए हैं। आप इसके अलावा जो फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हो और ज़्यादा फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। स्वीट पोटैटो का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, शकरकंदी का, और नाशपाती का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चाहे तो आप इसमें से कुछ अवेलेबल नहीं है तो स्किप कर सकते हैं या फिर ऐड भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये देखिए नींबू का रस है 2 चम्मच, मैं ये डालूंगी। आप चाहें तो इमली का पानी डाल सकते हैं, उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मेरे पास इमली नहीं थी तो मैंने ये नींबू का रस ले लिया है 2 चम्मच, मैं यही डालूंगी, इमली का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। उसके बाद ये देखिए मेरी जो दाल है वो बनकर तैयार है, एक विसल इसमें आ चुका है और उसके बाद दाल जो है ये देखिए गल चुकी है। और उसके बाद अब मैं क्या करूँगी, अब जो मेरी चने हैं सफ़ेद वाले, अब मैं उसी कुकर में दोबारा से चने डाल दूँगी। चने भी जो हैं वो मैं सारे नहीं डाल रही, थोड़े से बचा के रख लूँगी, जैसे कि मैंने दाल बचा के रखी है, थोड़े से चने मैं बचा के रखूँगी दोबारा से फिर से बनाने के लिए। और चने के अंदर जो है पानी डाल के हमें इसमें 5 से 6 विसल देना है। मोट में हमने 1 विसल दिया था, इसमें हम 5 से 6 विसल देंगे। इसको भी हमें बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, थोड़े से क्रंची सा जो टेस्ट है वो आना चाहिए। तो ये देखिए 5 से 6 विसल के लिए मैंने इसे गैस पे चढ़ा दिया है। तो 5 से 6 विसल के बाद हमारे चने जो हैं वो देखिए तैयार हैं, पूरी तरीके से गल चुके हैं, अच्छे गल चुके हैं। उसके बाद अब हमें ले लेना है एक बाउल, बाउल के अंदर हम अपनी दाल को ट्रांसफ़र कर लेंगे। थोड़ी सी दाल मैं इसमें से बचा के रख रही हूँ, थोड़ा सा कम नमक मिर्च वाला बनाने के लिए, अपने बेटे के लिए अलग निकाल रही हूँ। तो ये मैंने डाल ली है मोट, मोट के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चने। चने बहुत ज़्यादा ना डालें, अदरवाइज़ फिर दाल का टेस्ट कम आता है। उसके बाद चने डालने के बाद हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे, करछी थोड़ा आराम से चलाएं, अदरवाइज़ दाल जो है वो हमारी सारी जो है ख़राब हो जाएगी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले, मसालों में मैं डाल रही हूँ नमक, अपने टेस्ट के और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक डाल सकते हैं। रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं। उसके बाद ये मैंने डाल लिया है थोड़ा सा यहाँ पे आमचूर पाउडर, आमचूर पाउडर का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ा ज़्यादा डालें, खटास अच्छी लगती है इसमें। उसके बाद ये थोड़ा सा मैंने डाल लिया है चाट मसाला, चाट मसाले के बाद ये सारे जो हमारे बाकी के सामान हैं जो भी हमने कट करके रखा हुआ था फ्रूट्स वो इसमें ऐड कर देंगे। सारे जो फ्रूट्स हैं सारा सामान ऐड करने के बाद जो मैंने नींबू का रस रखा था वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसके बाद हमें क्या करना है, ये मैंने एक प्लेट ले ली है और प्लेट के साथ मैं इसे कवर करके देखिए इस तरीके से मैं इसे मिक्स करूँगी। चम्मच वगैरह का यूज़ ना करें, अदरवाइज़ जो है फ्रूट्स और दाल जो है ख़राब हो जाएगी। तो ये देखिए ये अच्छे से जो है मिक्स हो चुका है, ये देखिए अब हम इसे करेंगे सर्व। ये बिल्कुल खाने के लिए रेडी है, अब हम इसे करेंगे सर्व। तो ये मैंने ले ली है एक प्लेट, प्लेट में जो है मैं इसको डालूँगी, देखिए कोई भी आप अपनी पसंद का बाउल या प्लेट जिसमें आपने सर्व करना हो आप उसमें डालिए इसको, ये देखिए। और ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको डाल लिया है। प्लेट में डालने के बाद जो हमने थोड़ा सा अपना अनार और मूली बचा के रखी थी ना, उसे थोड़ा सा इसको गार्निश कर लीजिए और बस हमारी चाट जो है वो खाने के लिए है बिल्कुल तैयार। हेल्दी, टेस्टी, चटपटी, जब चाहे बनाएं, बच्चे खाएं, बड़े खाएं, कोई भी खा सकता है। बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी है। जब तक आप खा के नहीं देखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा ये कितनी टेस्टी बनती है। मैं बता सकती हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मन चाहे फ्रूट आप इसमें ऐड कर सकते हैं और जो पसंद नहीं है वो इसमें से स्किप कर सकते हैं, एनी टाइम बना के खा सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी बनती है, ज़रूर बनाइएगा। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना, और खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो लास्ट में आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा और नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है उसे प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, तभी मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।